नमस्कार दोस्तों, जो पौधा आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं यह क्रांची का पौधा है, जिसे कटकरण बोलते हैं, लताकरण बोलते हैं, मराठी में इसे सागर गोठी के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इसको देखिए, इस पौधे की खासियत है कि पूरे पौधे के तने में कांटे मिलेंगे और पूरे पौधे के फल में भी कांटे मिलते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप इसे टहनी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होती है, हाथों में चुभ जाता है। और यह एक बहुत ही पुरानी दिव्य औषधि है, यह बहुत ही गुणकारी औषधि है दोस्तों। यह बातनाशक पीतनाशक होती है। पीतनाशक की बात करेंगे तो आपके पित्त या पाचन की संबंधी कोई भी समस्या होती है तो, और बाद की बात करें तो शरीर में कोई भी दर्द होती हो, जोड़ों का दर्द बना रहता है, यह दोनों में फायदा करती है। आपको क्या करना है, इसके फलों को तोड़कर बीज निकाल करके उसको कूट कर पीस कर नमक मिलाते हैं, फिर आपको क्या करना है, जहाँ पर दर्द हो रहा है वहाँ पर लगाकर इसको पट्टी से बांध दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही देर में आपके दर्द खत्म कर देगा। दर्द हो, गठिया हो, साकृता हो, जो कि दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको इसका तेल भी मिल जाता है, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको तत्करण के नाम से इसमें भी जाना जाता है दोस्तों। आप आयुर्वेद का दुकान पर जाएंगे और आप बोलेंगे कि लता कुंज का तेल दीजिए तो वो तेल आपको दे देंगे, मिल जाएगा। इसका प्रयोग अगर आप गंजे सर पर करते हैं तो आपके बालों का उगना शुरू हो जाएगा, बालों का उगना। और दोस्तों, कहीं पर भी आपको गठिया की बात का शिकायत हो तो उसमें उस जगह पर मालिश करने से भी गठिया की समस्या आराम मिल जाता है। जहाँ इसी क्रम में बात करते हैं दोस्तों, बांझपन दूर करने के लिए घरेलू उपाय। आयुर्वेद में इसका उपयोग बताया गया है कि अगर इसका फल बीज को पाउडर बनाकर चर्म बना करके साफ कपड़े में पोटली बांध कर उसे 2 घंटे अपने योनि मार्ग में डाली रखती है तो बांझपन की समस्या धर्म धारण योग्य बना देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे वैद्य ने आयुर्वेद में बताया गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप इसके बीजों का चूर्ण बना करके सेवन करते हैं 10 ग्राम की मात्रा में खाली पेट सुबह, आपके पित्त से जुड़े प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लीवर मजबूत हो करता है, पित्त की थैली को इन्फेक्शन या प्रॉब्लम से बचाता है, उसको दूर करता है। पित्त बढ़ गया है तो आप उसको कंट्रोल करता है, पाचन क्रिया सुधारता है, पेट में गैस की प्रॉब्लम दूर करता है। इसके बीजों का चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम टाइम खाली पेट पानी के साथ, आपको जो पथरी की गुर्दे में पथरी है वह भी गल करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है दोस्तों। सबसे अचूक फायदा करता है हाइड्रोसिल प्रॉब्लम में। हाइड्रोसिल के अंडकोश में पानी भर जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, बीजों के लिए पत्थर पर पीस करके लेप हल्का गर्म करके अंडकोश में लगाने से रखने पर पानी का सेक लेता है, यानी पानी की समस्या को सुखा देती है। दोस्तों इसके बीज के तेल मालिश करने से लकवा गठिया आदि तमाम रोग दूर कर देता है दोस्तों। चर्म रोग में बीजों का तेल में नींबू का रस मिला करके लगाने से सारे प्रकार के चर्म रोग ठीक कर देता है दोस्तों। पीत की प्रॉब्लम, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके छाल को कुचरू बना करके 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करना ने से आपके पित्त की जुड़ी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी दोस्तों। इसके अंडाकार में सूजन बना रहता है या दर्द होता है इसके लिए क्या करना है, करंज के जड़ को घिस करके उसके पेस्ट निकाल करके चावल के पानी उसी इसको घिस करके दोनों को मिला करके लेप लगाने से, ऐसा करने से पानी आपके देखेंगे आपके अंडाशय सूजन या दर्द को सब ठीक कर देता है। गंजेपन की समस्या में आपको क्या करना है, फूल पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को रात में सोते समय अपने सिर पे अच्छी तरह से लगा लेना है, मालिश करना है और सुबह उठ करके पानी से इसको धुल लेना है, आधे नींबू डाल करके पानी में अपने सर को धो लेना है, फिर साफ पानी से धो लेना है। इसी तरह आपको रोज़ 10 से 15 दिन
तक करना है। आपका लाभ मिलेगा, आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा और नए बाल आना शुरू हो जाएगा। धर्म गर्भ धारण करने के लिए एक और उपाय, सफ़ेद करंज का जर लेना है। उस जर को दूध में घिसना है, 2 ग्राम के मात्रा में उस समय लेना है जब पीरियड यानी मासिक धर्म या चौथे दिन के शुरुआत में इसका सेवन करना है। 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करना है सुबह शाम। इस क्रिया को गर्भवती होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत लोगों को प्रॉब्लम पूरे शरीर में खुजली होने हो जाते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है? दोस्तों, करंजी के तेल को लेना है और उसे 2 टाइम सुबह शाम पूरे शरीर पर मालिश करिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी इस समस्या में आराम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बताया करंजी के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का मन करने लगता है। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।